तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। एंड डेफिनेटली मतलब मैं इसको बहुत अच्छे से आंसर करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से मुझे भी देखने को मिल रहा है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने दिमाग को ज़्यादा लगा लेते हैं कई बार, है ना, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। तो यार ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो, कि हाँ इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं आंसर दे देता हूँ, रेस्पेक्ट ऑब्वियसली, एनी डे मैम, एनी डे रेस्पेक्ट। तुम यार खुद सोच के देखो, हमने तुम्हें तीन तीन चार चार घंटे के सेशन जो कराए थे वो क्या सोच के कराए होंगे, मतलब कहीं भी मनी का मोटिवेशन रहा होगा। हमें तो जितना काम दिया जाता था, 1.5 आवर जितने भी सेशन है हमारी, हम तो लेके जा सकते थे चुपचाप, राइट। बट हमारे लिए हमेशा मोटिवेशन सबसे बड़ा तो यही है, स्टूडेंट का आउटकम, है ना। स्टूडेंट को जो भी परेशानी हो रही है, और मैम फिजिक्स में तो आप जानते हो कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, आई नो सर, तो आई मेरा नो, मोटिवेशन मेरा तो खुद का भी इतना, नहीं था, मैं खुद बोल रही हूँ, नो योर हाँ एजुकेटर, मैं खुद भी अपनी सच्चाई बताऊंगी सारी ट्रू आज। ट्रू ट्रू। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे लिए स्टूडेंट का आउटकम ही है मैम। और मैंने ज़्यादातर नीट के बच्चों के साथ डील किया है फिजिक्स में, और मैंने देखा है कितनी ज़्यादा उनको परेशानियाँ होती हैं। तो मेरे लिए सुबह सुबह उठ के जो कंटेंट प्रिपेयर करने का जो मोटिवेशन होता था, अलग अलग क्वेश्चंस में इधर उधर से कलेक्ट करता था कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, इस टॉपिक में वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, और अभी भी इस चीज़ में हम लगे हुए हैं। मतलब गरिमा मैम भी सुबह से लग जाती हैं चैनल के पीछे, कॉन्टेंट के पीछे, पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है कि कौन सी सीरीज जाएगी, कॉन्टेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। इन सब चीज़ों का जो मोटिवेशन है, मनी कभी नहीं हो सकता, है ना, वरना नहीं, हम कुछ और कर रहे होते शायद, अगर मोटिवेशन कुछ और होता हमारा तो। एंड ऑब्वियसली मैम मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इतना पढ़ा चुके हैं, इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है बच्चों का, तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफर ना करे कुछ भी, मतलब हमें सिर्फ उसकी वजह से इधर उधर जाने बिल्कुल की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल क्लियर ही कहता हूँ इस बात को बच्चों, है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसा डिसीजन लिया है, तो डेफिनेटली रीजंस बहुत हैं उसके पीछे दूसरे, राइट। मनी इज नॉट द मोटिवेशन एट ऑल बच्चों, है ना। तो प्लीज इस बात को समझो। यस मैम, तो आपका बच्चों, आंसर आई बिल्कुल थिंक नो योर टीचर में फर्स्ट चीज ये है कि हमने रिस्पेक्ट चूज की है ओवर द डेफिनेटली। अदर पार्ट दैट इज मनी। बेटा पैसे तो आने जाने चीज है, एक कहावत है, पैसा तो हाथ का मैल है, कभी आता है कभी चला जाता है, सबके लाइफ हाँ में कुछ मतलब आता है। जरूरत भी सबको होती है, बच्चे बच्चों हाँ का भी घर है, उनको भी पता होगा कि उनके घर पे भी जरूरत होती है पैसों की, हर किसी को जरूरत होती है। बट हाँ ऐसा नहीं है कि उसके पीछे लोग भागना शुरू कर देते हैं, आप खुद नहीं भागते बिल्कुल, बच्चे, है ना। डेफिनेटली यस। तो सर अच्छा, एक दूसरा बड़ा ही ना फनी सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आजकल कोई टीवी देख रही थी तो उसमें ना एकदम से न्यूज आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं सर से पूछूंगी ये सवाल कि सर क्या सोचते हैं इस फंक्शन में। ठीक है सर, आपने सुना होगा अवार्ड फंक्शंस के बारे में, बीच में ना ऐसे चल रहा था कि अवार्ड फंक्शंस में ना अवार्ड जो होते हैं वो बिकाऊ टाइप्स होते हैं, या अपने फेवरेट्स फेवरेट पीपल को दिए को दे जाते दिए जाते हैं, हैं। तो फेयर है या नहीं है ये अवार्ड फंक्शंस वाला सीन? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो सवाल पूछ रहे हैं मैम आप, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, है ना, और सही बात है। अब मुझे लग रहा है कि ये सच का सामना बन चुका है बहुत अच्छे से। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुझे तो लगता था कि बॉलीवुड है इसमें, है ना। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स, यार सबसे सैड बात तो ये है कि SSR का जो केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, हमें बाद में पता चला कि भाई उनको भी बहुत सारी चीज़ें वो डिजर्व करते थे बट नहीं दिया गया। चलो तो ठीक है, और मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बॉलीवुड में होता है, बट पता चला कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता है ये, अनफॉर्चुनेटली कई जगह ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। और स्पेशली चलो ठीक है, एक ऐसा अवार्ड हो जिसमें, है ना, क्वालिटेटिवली डिसाइड कर लिया जाए कि इस बंदे को जा रहा है उसको जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है कि आपके नंबर्स बेटर हैं किसी और से, आपने वो प्रूफ भेजा भी है, मतलब चलो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बच्चे समझदार है ना, ठीक है सर, तो नहीं, यहाँ पे मतलब बिल्कुल सही हाँ है तो सर, बुरा तो लगता ही है। मीनिंग यू और आर हाँ स्टूडेंट्स वेरी पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट, अपने स्टूडेंट्स को बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव हम रखना, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली दो सीरीज को कल हम लॉन्च करने वाले हैं अपने नए चैनल पे, वो हाँ बेटा मैंने बड़ी दिल से दिल से शिद्दत बनाया से सर के साथ बैठ के डिस्कस करके बनाई है कि सर बताओ आखिर प्लान करना कैसे है। और आई कैन टेल यू दिस, दीज आर द टू सीरीज, मैं पहले से कह सकती हूँ कि ये सबसे हिट सीरीज होगी पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि इसके अंदर ना मेहनत लगी है, 1 महीने का कंटेंट इन एडवांस प्रिपेयर किया गया है, जो मैंने छुट्टी ली ना, जो तुम्हें लग रहा है मैम तो छुट्टी ले रही है, मैम मजे कर रही है, अरे नालायक, तो तुम्हें क्या पता, हम लोग ना बैठ के अपनी डायरिया भरते रहते तुम लोगों के लिए, कि बच्चों को कैसे, ऐसे थोड़ी कि कभी भी उठ के आ जाएंगे, आज ये वाला खुलासा, आज वो वाला खुलासा, अरे भाई टीआरपी का शो थोड़ी चला रखा है, खुलासे एग्जैक्टली थोड़ी करने आते हैं हम, होना स्टडी भी तो होनी चाहिए, आज का खुलासा, टीआरपी थोड़ी चाहिए बच्चों, पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए। तो सर ने और मैंने तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और केमिस्ट्री टीचर भी जो आएंगे
वो भी यही फॉलो करेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चैनल इज कि जो सीरीज बायो में चलेगी सेम सीरीज सर कहां पे चलने वाली है, फिजिक्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, में। वही सेम सीरीज केमिस्ट्री में. अब हर एक सीरीज चाहे कोई भी सीरीज हो वो तीनों में एक जैसी चलेगी, जिससे कि बच्चे अपना रजिस्टर लेके बैठे, अब से अपना पेन लेके बैठे और कहे कि हाँ मैं अनअकैडमी नी टॉपर चैनल का बच्चा हूँ, क्योंकि वहां एग्जैक्टली पे पढ़ाई होती है, वहां पे ना कुछ और नहीं होता, सबसे ज्यादा क्या होती है, पढ़ाई होती है. हम बच्चों आपको ऐसा कंटेंट देने वाले हैं जो हमने प्रिपरेशन करी है कि जब बच्चे हमारी क्लास का नोट्स बनाए ना अपनी कॉपी में, तो वो इस नाम से पूरा सर्कुलेट हो जाए कि ये अनअकैडमी नीट टॉपर्स का नोट्स है, ये पढ़ लो तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी। मतलब इस लेवल बिल्कुल का आपको बिल्कुल. हम तो कंटेंट देने वाले अब हैं उसमें। हमने चैलेंज लिया है कि हम अपनी सीरीज जबरदस्त बनाएंगे यूट्यूब पे, बट सवाल उठता है कि तुम हमारे साथ ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो. ऑलमोस्ट 1300 बच्चे, तो मेरा चैनल ना छुटका सा है, मैं बहुत बता दूं, छोटा है मैं मैम, खुद कह रही और हूँ मेरा चैनल छुटका सा है, बट प्यार देख रहे हो बच्चों का आज भी. प्यार हम बहुत आ गए, ज्यादा। G4 सामने है, तो बच्चों का प्यार देखिए सर, 1325 बच्चे लाइव है. मैं आज इन सब बच्चों से पूछना चाहती हूँ, टीचर्स पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बाल झड़ने शुरू हो गए लिटरली सर, मैं सच बता रही हूँ, नो योर टीचर का दूसरी चीज, मैं खुद बता रही हूँ, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं. सोच सोच के दिन रात कि आखिर क्या डिफरेंट सीरीज लाऊं, कैसे प्लान करें कि बच्चों का ना पूरा सिलेबस कवर हो जाए, बच्चों की रिवीजन भी हो जाए, जो बच्चा रिवीजन चाहता है वो भी है सीरीज में, जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है वो भी है सीरीज में, हर एक चीज है दोनों सीरीज में. बट द पॉइंट इज क्या तुम हमारे साथ हो? यस, एग्जैक्टली आए जो चैट बॉक्स में सर चैट्स देखते हैं, आज बच्चों के नाम लेना बहुत जरूरी है, जो बच्चा सबसे ज्यादा जोश दिखा रहा है ना उसको पकड़ते हैं, उसका नाम ठीक लेते है हैं, तो ठीक कुछ है, नाम सर लेंगे कुछ नाम मैं लूंगी अभी चैट श्योर में से. डन डन डन। हाँ अंजलि ठाकुर, अंजलि ठाकुर इज शेइंग रेडी रेडी, बहुत क्या बढ़िया। बात है सर. तो यहाँ पे डॉक्टर चेताली, यहाँ पे ध्रुव, मतलब सर इतनी सुपरसोनिक स्पीड पे चार्ट चल रही है ना, उदिता मेरे को लग रहा है वर्मा कि मेरी आंखों के आगे मुझे थोड़ा सा कुछ लगाना पड़ेगा. क्या बात है सर, बच्चों का इतना प्यार देखे ना, लग रहा है सर कि जो हमने मेहनत की थी ना वो सच में इनको पता है, कुछ है एग्जैक्टली इधर करके, बट बाकी जो अपनी जनता है ना वो सच में मानते कि इन दोनों ने ना बहुत मेहनत की है, सच में सच मेहनत. आज इन बच्चों ने सर दिल बिल्कुल ही चुरा लिया, मैं कह रही हूँ 10:15 तक वेट किया इन्होंने, 10 का सेशन 10:15 हो गया, और इन्हें क्या पता सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हमने कितनी मुशक्कत की है. एग्जैक्टली